हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज की इस बेहतरीन सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लास को कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपकी जो कल से एग्ज़ाम होने वाली है उसका नाम है फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम, जिसकी हम लोग आज थोड़ी सी तैयारी करने वाले हैं। 2023-2024 में फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं सर, इस मतलब कल के जो क्वेश्चंस होंगे, कल के जो पेपर होंगे, वही मैं आपको जस्ट डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आपको भी मिल जाए। ठीक है, इस क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस एकदम रियल है ना, कोई भी डुप्लीकेट क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास को। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगी कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिख जाएगी, मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये सारे जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, यानी कि यही क्वेश्चंस आपके पेपर में छप के आएंगे। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहला 28 किस्म, देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी में ही आएंगे। आपको अगर इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं आप तो इंग्लिश मीडियम में नहीं आएंगे, पहला तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन हाँ सर, कुछ एडवांटेज भी हैं कि जैसे हिंदी में है तो इसका इंग्लिश हम लोग अपने मन से कर सकते हैं, बस एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर आप लोग को इंग्लिश मीडियम में देना है तो प्लीज़ यहाँ से पढ़ के जाइए, हिंदी से है सर इसलिए आपको इसको इंग्लिश कर लेना होगा। यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन सर लगे हुए, अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है। हमने पढ़ा था कि अमेरिका में सर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, सॉरी है ना, अमेरिका में क्या कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट यहाँ पर जो भी होगा वो आप लोग मान लेंगे, यानी कि पूंजीवादी जो होता है वो हमारा कैपिटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, चलो तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, ये भी हम लोग ने पढ़ा है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, जो हमारा बाढ़ है, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि है, कृषि पर अधिक दबाव है, इनमें से सभी होता है। इसका आंसर ऐसे आप लोग को यहाँ पर टिक मार के देना है। और टोटल सर 48 क्वेश्चंस होंगे, मैं दिखा देता हूँ है ना, टोटल 48 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको है ना 40 क्वेश्चंस देने पड़ेंगे, 40 क्वेश्चंस मारने पड़ेंगे, यानी कि 8 क्वेश्चंस जो हैं आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर सब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये इसके नोट्स, हाँ इसके नोट्स ऐप पर मिलेंगे, आप लोग जैसे जानते हैं ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर शॉर्ट नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे कुछ अपलोड हो रहे हो और ये एक्सटर्नल चीज़ें भी अपलोड हो रही है, तो प्लीज़ ये इसको भी ले लेना। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप लोग को यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन सर की भी दिखेगी है ना। देखो इतिहास है, देखो ये पीटीओ है, अगर आपके पास टर्नओवर की भी है ना, टर्नओवर का पेपर आता है तो प्लीज़ यार ये पेपर मैच नहीं करेगा। अगर आप लोग पीटीओ का होगा तो भी आप लोग इसका मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये पीटीओ प्रश्न पेपर होता है। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सर 3 क्वेश्चन आंसर देना है, मैंने इसका आंसर शीट भी दे दिया है आपको, तो चलिए मैं आंसर शीट आपको दिखा देता हूँ। देखो ये भी सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, इसके नोट्स सारे चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। ठीक है, ठीक, चलो और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, राजनीतिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस किया है। देखो धर्मनिरपेक्षता आ गया, यानी कि सर सेकुलरिज्म हमने पढ़ा था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें याद भी है ना, आप लोग को याद भी होगा, मुझे तो याद ही है सर। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य, ये से भी हमने पढ़ा है। और पूंजी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर, ये सारी जानकारी हम लोग ने पढ़ चुकी है। ठीक है, और आपदा किसे कहते हैं, देखो ये सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने पढ़ा है, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट, इसीलिए सर मैंने एक एक चैप्टर करवाया था ताकि आप लोग का यूनिट टेस्ट, टर्मिनल एग्ज़ाम जो भी हो उसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इसीलिए करवाया था, मैं ये नहीं कि हाँ एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करवा दूँ हिस्ट्री का, ऐसा नहीं करते हैं ना, ऐसा करने से दिक्कत होती है, तो एक एक चैप्टर करके किया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना। ठीक, आई होप आपको ये बातें क्लियर होगी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होती है, ठीक है, ये क्या होती है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ऐप पर। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पर हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की आंसर की दी हुई है, इसके पीछे आंसर की लगाई हुई है। देखो हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आंसर देना है, तो एक क्वेश्चन यहाँ है, 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तो ये सारी जानकारी आपको पता होगी। ठीक है, तो 3-4 ये सारी 3 क्वेश्चन इसमें हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में आते हैं, तो ज्योग्राफी में भी सर 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर सारे इंग्लिश में लिखी गई है, हिंदी में नहीं है सर। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में जो भी बच्चे होंगे उनके लिए तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चले
आप लोग को वाई सोल कंजर्वेशन नेसेसरी ये नहीं पढ़ाया था हमने। देखो मेरी जो तबीयत ख़राब हो गई थी, आई फ्लू जो हो गया था, जिसके कारण से मैं लैंड रिसोर्सेज नहीं पढ़ा पाया, लेकिन लैंड रिसोर्सेज के सर मुझे पीपीटी आए हुए थे, बोला गया था मुझे कि हाँ पढ़ाना चाहिए, लेकिन सर मैंने क्या कहूँ, आई फ्लू हो गया था जिसके कारण से मैं नहीं आपको पढ़ा पाया, ठीक है। तो आई लेकिन हाँ तब भी मैंने मैनेज किया कि वाई सोशल कंजर्वेशन नेसेसरी, सर ये सारे बच्चे को पता होगा इसलिए इसको क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर देखो पॉलिटिक्स में सर सेकुलरिज्म क्या होता है, व्हाट इज मीन शेयरिंग ऑफ पावर, ये सारी जानकारी सर हमने पहले लेक्चर्स में कर चुकी है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के भी सारे आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन से सर 4×8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें से आपको 4 देने पड़ते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको दे सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया क्लियर है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, उसके बढ़िया सर गुड लक ऑन योर एग्जाम्स। आपके पॉजिटिव माइंड रहने चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, पॉजिटिव लाइफ होनी चाहिए सर, ठीक है। देखो ये एग्ज़ाम्स आपके सर है ना सिर्फ टेस्ट के लिए है कि अगर आप लोग एक मिनट हाँ क्या आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं, है ना, क्या पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ये सिर्फ आप लोग को ये दर्शाएगा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये कल के पेपर में आ जाएगी, जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया है ये मैं आपको ऐप पर दिलवा दूंगा, कैसे आपको पता होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी रुक जाओ जरा सा, कि क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये भी आपकी जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। ऐप पर मिलेगी ये सारी जानकारियाँ कि कैसे आप लोग पेपर में दे सकते हैं, ये पेपर ले सकते हैं। तो चलिए ऐप पर लेके चलते हैं हम आपको, ऐप पर लेके चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम ऐप पर। देखो ऐप पर है ना सर सारी नोट्स मिल जाती है आपको, कोई भी नोट्स आप लोग चाहते हैं, ठीक है, फ्री लाइब्रेरी में मिलेगी। तो चलिए मैं आपको ऐप पर लेके चलता हूँ। देखो ऐप पर हम लोग आ गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको ये वाली जो दिख रही होगी, मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, मेरे पास वो लिखने वाली नहीं है सिस्टम। देखो ये वाली जो, अच्छा ऐड आ गया, रुक जाओ, ये वाली जो फ्री लाइब्रेरी एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये फ्री लाइब्रेरी, ये फ्री लाइब्रेरी, ये जो देखो ये खुल रही है ना फ्री लाइब्रेरी पर मैंने क्लिक किया, तो बस ये सारी आपको मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड बुक्स, शॉर्ट नोट्स और बीएससीबी क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम है, इसको क्लिक कर देना, ठीक है। उसका सोशल साइंस आएगा तो सोशल साइंस को भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग की सारी जानकारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी, आप लोग इसको देख सकते हैं। देखो बोर्ड ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का भी आंसर दिया गया है, और यहाँ से जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है डाउनलोड क्वेश्चन पेपर एंड सब्जेक्टिव आंसर, तो इस पर क्लिक कर देंगे आप लोग, डायरेक्ट आप लोग के पास खुल के आ जाएगी ये वाली स्क्रीन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होगी, है ना। देखो ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, देखो ये सारी है ना, ये देखो ये सारी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगी, देखो है ना, देखो ये सारी जानकारी सारी सारी, ये हर रोज़ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और रोज़ आप लोग यहाँ पर चेक करते रहना, आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है, रोज़ रोज़। यस सर, एक दिन पहले भी मिल जाएगी। गुड लक ऑन योर एग्जाम्स, पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव माइंड। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।